अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद खलील और आप देख रहे हैं कामोके न्यूज़। कोरोना के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू। कामोके हबीबपुरा के रहायशी दादा पोता और भतीजे के सेहतयाब होकर घर वापस आने के बाद एक और मरीज कोरोना को शिकस्त देकर घर वापस आ गया है। टिब्बा मोहम्मद नगर का रहायशी कोरोना से मुतासर मरीज मोहम्मद मजहर कोरोना को शिकस्त देकर घर वापस आ चुका है। गुजरावाला THQ से सेहतयाब होकर घर वापस आने के बाद कामोके न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उसका क्या कहना था, आइए देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मजहर है, मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रज़ाक है, मैं टिब्बा मोहम्मद नगर का रहायशी हूँ, अल्लाह करमा वाला गली उस्ताद नूर वाली का रहायशी हूँ मैं। आपको कैसे पता चला कि मुझे कोरोना है? मुझे बुखार और नज़ला ज़ुकाम हो गया था, तो मैं चेकअप करवाने गया सिविल हॉस्पिटल गुजरता ये कामोके में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सिविल हॉस्पिटल जाके कोरोना टेस्ट करवाएँ, और मैं उधर गया तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया तो मैं पॉजिटिव आ गया, तो फिर उन्होंने मुझे उधर एडमिट कर लिया। तो फिर मैं जब 25 दिन तकरीबन उन्होंने रखा उधर, तो अल्लाह का शुक्र है मैं सेहतयाब होके वापस आ गया अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मरीज़ थे वहाँ? मेरे वार्ड में 5 मरीज़ थे कोरोना वायरस के, और हॉस्पिटल में तकरीबन 110 मरीज़ हैं टोटल। तो कितने मरीज़ वहाँ आपके होते हुए सेहतमंद होकर वापस निकले? मेरे होते हुए उधर से तकरीबन 15-20 मरीज़ सेहतयाब होके निकले हुए। तो अब आपको कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। या दूसरों के लिए पहगाम एहतियाती तदबीर के लिए उन्होंने आपको कुछ बोला है? मैं कैसे आ रहा हूँ, और यह मेरे रब को पता है। मेरी यही इंतजार है कि बच घर में रहें और कोरोना वायरस से बच के रहें।